अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ डर्माकोस का मैनिक्योर। क्या आप डर्माकोस का मैनिक्योर घर पे कैसे कर सकते हैं? मगर वीडियो देखने से पहले आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके और उसके करीब ही बेल आइकन है छोटी सी घंटी, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मैनीक्योर एक लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हाथों की सफाई है। मैनीक्योर में नाखूनों की कटिंग, नेल्स को शेप देना और फाइलिंग शामिल है। महीने में दो बार मैनीक्योर करना ज़रूरी है। हमें हर 15 दिन बाद अपने हाथों की अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। मैनीक्योर करवाने से आप अपने स्किन से डेड सेल्स सारे रिमूव कर सकते हैं, प्लस आप अपने हाथों को नरम मुलायम बना सकते हैं और अपने नाखूनों की भी सफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है नेल पेंट रिमूविंग। आप किसी भी नेल पेंट रिमूविंग से अपनी नेल पॉलिश को रिमूव कर लीजिए, और अगर आपने नेल पेंट नहीं लगाया हुआ तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो आपने ले लेना है नीम गरम पानी। आपने नीम गरम पानी इतना ले लेना है कि आपके दोनों हाथ इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए, और हल्का सा ही नीम गरम पानी लीजिए ताकि आपके हाथ ना जल जाए। इतना नीम गरम पानी ले लीजिए कि आप इसमें ईजिली अपने दोनों हाथ डिप कर सकें। तो मैंने यहाँ डर्माकोस का 1.5 टीस्पून सोक डाला है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर इसके अंदर आप अपने दोनों हाथ अच्छे से डिप कर लीजिए। दस से 15 मिनट तक आपको इसके अंदर अपने हाथ डिप करके रखना है। दस से 15 मिनट बाद आप अपने दोनों हाथ इसके अंदर से निकाल लीजिए, और फिर अब आपने अपने हाथों को क्लीन करना है। तो आपने ले लेना है एक छोटा सा ब्रश, जिस तरह से मैंने लिया है, या आप कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं। सिंपली आपने अपनी नेल्स की डर्ट को बाहर निकालना है, यानी कि गंदगी साफ़ करनी है। इस तरीके से रब करना है हल्के हाथों से अपने नेल्स पे ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। हल्के हाथों से रबिंग कीजिएगा, नहीं तो ये आपके नेल्स पे लग भी सकता है। तो बस अपने नेल्स को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। फिर आपने लेना है एक नेल कटर। नेल कटर से आप अपने नेल्स को कट कर लीजिए, जो आपने डिज़ायर्ड लुक देना है अपने नेल्स को। मैं यहाँ आपको कट करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे नेल्स पहले से ही कटिंग हुए हैं। और फिर आपने ले लेना है एक नेल फाइलर, जिससे आप अपने नेल को फाइल करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ही आपको अपने नेल्स को फाइल करके दिखाऊंगी क्योंकि मेरे नेल्स पहले से ही फाइल हुए हैं। तो फाइल कर लीजिए अपने नेल्स को इस तरह से। फिर आपने इस तरह का टूल लेके अपने नेल्स की डर्ट को बाहर निकालना है इस तरह से। इससे ईजिली आप अपनी नेल्स की जो भी डर्ट होगी वो बाहर निकाल लेंगे। फिर आपने ले लेना है नेल पुशर, जिससे आप अपनी स्किन को पुश करेंगे। हल्के हाथों से ही पुश कीजिएगा, ज़्यादा पुश नहीं कीजिएगा, नहीं तो ब्लडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो हल्के हाथों से आप अपनी स्किन को इस तरह से पुश कर लीजिए पीछे की तरफ, ऐसे राउंड राउंड करके। बिल्कुल स्लो स्लो करना है आपने अच्छी तरह से। फिर लेना है आपने क्यूटिकल रिमूवर। क्यूटिकल रिमूवर इस तरह का होता है। चूँकि मेरे क्यूटिकल नहीं है तो मैं आपको जस्ट इसका तरीका बता देती हूँ कि आपने किस तरह से अपने क्यूटिकल्स निकालने हैं। और हाँ, मैं आपको पहले क्यूटिकल्स का बता दूँ कि क्यूटिकल्स किस तरह के होते हैं। तो ये इस तरह के क्यूटिकल्स होते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं,
और अब आप तरीका देख लीजिए कि आपने अपनी स्किन पे इस तरह से रख के इसको निकालना है अपने क्यूटिकल्स को। तो आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद टॉवल से पोंछ लीजिए, अपने दोनों हाथों को पैड ड्राई कर लीजिए और फिर आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है फर्स्ट स्टेप से। तो सेकंड स्टेप है डर्माकोस की मैनिक्योर पॉलिशिंग स्क्रब। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये लाइट ग्रीन कलर की होती है और इसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के दाने होते हैं। तो आपने सिंपली इसको थोड़ा सा लेके अपने हैंड पे इस तरीके से फैला लेना है और फिर हल्के हाथों से अपने अपने दोनों हाथों पे 5 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग कर लेनी है। यहाँ मैं अपने एक ही हाथ पे आपको स्क्रबिंग करके दिखाऊंगी। आपने बिल्कुल स्लो स्लो हाथों से स्क्रबिंग करनी है क्योंकि इसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं, जो ब्रशेस बोल सकते हैं आप जो हैं, वो आपकी स्किन को डेड भी कर सकते हैं। 5 मिनट तक आपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर लेनी है बिल्कुल स्लो हाथों से। आप इसको अपने एल्बो तक यानी कि कोहनी तक भी स्क्रबिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से 5 मिनट तक अपनी एल्बो से लेके अपने फिंगर्स टिप तक अच्छे से स्क्रबिंग कर लीजिए। बीच में बार बार अपने हाथ को थोड़ा सा पानी से वेट कर लीजिएगा, गीला करती रहिएगा सिर्फ 1-2 ड्रॉप से और फिर स्क्रबिंग कर लीजिए 5 मिनट तक अच्छे से। स्क्रबिंग के बाद अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपने लेना है क्यूटिकल रिमूवर। तो ये जो क्यूटिकल रिमूवर मैंने लिया है ये हाथ पांव दोनों का है। चूँकि मेरे क्यूटिकल नहीं है तो मैं जस्ट आपको इसका तरीका बता देती हूँ कि आपने सिर्फ 1-2 ड्रॉप इसके लेने हैं और अपनी फिंगर पे लगा के ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको रबिंग करनी है अपने जस्ट नेल पर, सिर्फ नाखूनों पर रबिंग करनी है 5 मिनट तक। तो 4 स्टेप है मसाज। तो ये मैंने यहाँ लिया है मैनिक्योर हाइड्रेटिंग लोशन। तो आपने इसको थोड़ी सी ही क्वांटिटी में लेना है और अपने हाथ पे फैला के मसाज करनी है। थोड़ी सी ही आपने मसाज करनी है जस्ट 2 मिनट का और फिर उसके बाद अपने हाथों को मसाज करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से अपने हाथों को मसाज करना है। तो आपने जब अपनी एक एक उंगली को अपने दूसरे हाथ की उंगली में लेना है और 3 टाइम इस तरह से अपने जानिब खींचना है। इतना ज़्यादा नहीं, बस इतना कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें। हर फिंगर को आपने 3 टाइम्स इस तरह से अपने जानिब खींचना है। और ये एक तरह की आपकी हाथ की एक्सरसाइज भी कहलाती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है कि आप अपने हाथ को बहुत ज़्यादा रिलैक्स देते हो इस तरह से करने से। फिर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में लोशन ले लेना है और अपने हाथ पे इस तरह से फैलाना है और रबिंग करनी है अगेन हल्के हाथों से। अब सेकंड एक्सरसाइज ये है कि आपने अपनी फिंगर्स के दूसरी हाथ की फिंगर्स में इस तरह से ले लेना है और टाइटली अपनी दोनों फिंगर्स को आपस में अच्छी तरीके से पकड़ना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से आप अपनी एक एक फिंगर्स को इस तरीके से पुश करेंगी, इससे भी आपके हाथों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है।
फिर थर्ड आपने अपनी एक हाथ की हथेली को दूसरी हाथ की हथेली से इस तरह से पकड़ना है, दबाना है अपनी हथेली को इस तरह से 3 to 4 times। जस्ट हल्के हाथों से आपने अपनी हथेली को इस तरह से दबाना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। और फिर अब आपने अपनी फिंगर्स को दोबारा से अपने हाथों पे ले लेना है और अपने हाथ को पीछे की जानिब इस तरह से करना है। ज़्यादा पीछे नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके पैन होगा। जितना आप बर्दाश्त कर सके उतना करना है। और फिर आपने अपनी हैंड को इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमाना है 5 times। और फिर एंटी क्लॉक वाइज आपने दोबारा इसको घुमाना है 5 times। फिर आपने दोबारा से अपने हैंड को मसाज करनी है हल्के हाथों से। थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर मसाज कर लीजिए। फिर आपने इस तरह से 2 fingers से अपने हैंड पे इस तरह से मसाज करना है हल्के हाथों से। तो मैंने यहाँ मसाज कर लिया है। मसाज के बाद अब आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, जिस तरह से मैंने कर लिया है। लास्ट स्टेप है, हमें मास्क लगाना है। तो यहाँ आपने इस मास्क को अपने हैंड पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ मैंने अपने दोनों हाथों पे मास्क लगा लिया है। अब आपने इंतज़ार करना है 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट गुजर जाने के बाद जब ये सूख जाएगा तो आप इसको वॉश कर लीजिए। लास्ट स्टेप है नेल पेंट लगाना। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहती हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, मगर मैं यहाँ आपको नेल पेंट लगा कर बता रही हूँ। तो डर्माकोस मैनिक्योर घर पे किस तरह से किया जाता है मैंने आपको इस वीडियो में फुल बता दिया है। आप इजीली अपने घर पे इसको कर सकती हैं। बहुत ही इजी स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आप अपने हाथों को नरम मुलायम कर सकती हैं, डर्ट फ्री कर सकती हैं। आप अपनी स्किन से बिल्कुल डेड सेल्स को ईजिली रिमूव कर सकती हैं। और मैनिक्योर हमें महीने में 2 बार ज़रूर करना चाहिए, इससे आपके हाथों की सफाई हो जाती है। सो, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए कि डर्माकोस मैनिक्योर घर पे किस तरह से किया जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसके करीब ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि मैं जब कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा और आप ईजिली मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।